वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। बच्चों हम एनसीईआरटी रीड अलॉन्ग एक्सरसाइज में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर खत्म कर चुके हैं और अब क्वेश्चन आंसर्स उसके हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने डिस्कशन किया। आप अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं, यह है पेज नंबर 135। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और 6.4 इज द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों एसएचएम को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इज गिवन बाय, ये इसका फंक्शन है वी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर k जो है फोर्स कांस्टेंट है ऑसिलेटर का, जैसे कोई स्प्रिंग है, मास अटैच्ड है, मास बॉडी अटैच्ड है स्प्रिंग के साथ, तो उसे अगर डिस्टर्ब करेंगे मीन पोजीशन से तो ऑसिलेट करेंगे। के की वैल्यू 0.5 न्यूटन पर मीटर दी हुई है। द ग्राफ ऑफ वी एक्स वर्सेस एक्स इज शोन, यहां पर दिख रहा है हमको। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है मीन पोजीशन पर जीरो है, एक्सट्रीम्स पर मैक्सिमम है। इसको बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल वैल्यू। शो दैट ए पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल moving under this potential must turn back when it reaches x equal to plus minus 2। तो ये values put करके हमको ये दिखाना है कि जैसे particle जैसे इधर गया positive side में x equal to मान लो यहाँ plus 2 है, तो उसके पास energy इतनी है कि plus 2 तक पहुँचने के बाद उसकी सारी की सारी potential energy, sorry kinetic energy potential में convert हो जाएगी और कोई kinetic energy इस point पर नहीं बचेगी, तो वो फिर वापस लौटेगा यहाँ पर ऊंचाई से नीचे की तरफ आने की वजह से। वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी मेन पोजीशन पर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो ये रिवर्स साइड में अपोजिट साइड में इधर निकल जाए। सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन। पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या सॉल्यूशन दिया है बच्चों। 6.4 का जो आंसर दिया है यहाँ पर, कुछ भी आंसर नहीं दिया है। रीजन बिहाइंड, आपसे कहा गया शो दैट यानी यू हैव टू प्रूव इट। तो डिफरेंट जो बुक अवेलेबल है उसमें स्कैंड कॉपी में जो सॉल्यूशन है वो ये है बच्चों। टोटल एनर्जी वन ऑफ द सॉल्यूशन ई इक्वल टू के प्लस पी, दोनों का सम, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर। अब ये एम के स्क्वायर कहाँ से आ गया? जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो होती है स्प्रिंग के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर। सो आई थिंक दिस इज मिसप्रिंट। तो हाफ के एक्स स्क्वायर अगर माने तो के की वैल्यू यहाँ पे हमने डाली है ना, दिस इज मिसप्रिंट हियर, तो करेक्शन कर सकते हैं उसमें। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, प्रॉब्लम यही है बच्चों कि बहुत सारे मिसप्रिंट्स या कुछ गलत चीज़ें दी हुई हैं बुक्स में। तो ये के की वैल्यू इंटू एक्स स्क्वायर और ये कितनी है 1। क्या हमें 1 दिया हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ दिया हुआ है, देखो ये रहा 1 जूल हियर इज। तो टोटल एनर्जी जो है 1 जूल है दिया हुआ है हमको। सो इसको 1 के बराबर हमने रखा। अब हमारे पास यहाँ पर एम वी स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, तो एक इक्वेशन मिली हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2mv² = 4। पार्टिकल कब टर्न बैक करेगा? नेचुरल सी बात है, ओरली अभी मैंने डिस्कस किया था, जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी एक्सट्रीम पर जाकर। तो अगर मैं इसमें वेलोसिटी जीरो रख देता हूँ तो वेलोसिटी जीरो रखते ही ये टर्म खत्म हो गई और एक्स की वैल्यू हमें मिल जाती है प्लस माइनस 2 मीटर, और यही हमको प्रूव करना था। सो दिस इज सॉल्यूशन, वन ऑफ द सॉल्यूशन, एंड हियर इट इज अनदर सॉल्यूशन मोर विद मोर डिस्क्रिप्शन। टोटल एनर्जी 1 जूल, फोर्स कॉन्स्टेंट 0.5, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ इक्वल टू वी प्लस के, दोनों को हमने ऐड किया। मेथड इज सिमिलर, सेम मेथड। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो 1 = ½ kx². तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 6.5, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ एक फिगर भी हमें दिख रहा है 6.13, शायद इसी से रिलेटेड है। द केसिंग ऑफ ए रॉकेट इन फ्लाइट, ये वाला तो इससे रिलेटेड नहीं। तो रॉकेट की जो बाहर का खोल होता है केसिंग बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन, ऑब्वियसली वो
फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है, एयर फ्रिक्शन, एटमॉस्फेरिक एयर का फ्रिक्शन, कि वो पहले रेड हॉट होता है फिर फाइनली जल जाता है। मीटियोर्स जो मीटियोराइट बनते हैं, यानी मीटियोर्स तो क्या होते हैं, हवा में ख़त्म हो जाते हैं, जो थोड़ा मास में ज़्यादा होते हैं वो अर्थ तक पहुँचते हैं, जिनको हम बोलते हैं मीटियोराइट। सो एट हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेंड। तो ये जलने के लिए जो एनर्जी आ रही हो कहाँ से आ रही हो, द रॉकेट और द एटमॉस्फेयर, ये आपसे पूछा गया, द रॉकेट और द एटमॉस्फेयर। तो ये कहाँ से आई एनर्जी, वो हमें बताना है। सो 6.5, तो यहाँ जवाब दिया गया रॉकेट से आई, बिकॉज रॉकेट वो एजेंसी है जो अगेंस्ट द एयर जाने की कोशिश कर रहा है। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, रॉकेट की जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, वही कन्वर्ट हो रही है। सो द मास ऑफ द केसिंग ऑफ द रॉकेट इन फ्लाइट इज बर्न्ड बाय ऑब्टेनिंग हीट एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी के प्लस पी ऑफ द रॉकेट इटसेल्फ, वही कन्वर्ट हो रही है। सो अनदर सॉल्यूशन, द आंसर इज रॉकेट। The burning of the casing of a rocket in flight due to friction results in the reduction of the mass of the rocket. According to conservation of energy, total energy is potential plus kinetic, yani mgh plus half mv square. The reduction in the rocket's mass causes a drop in the total energy. Mass hi khatam ho gaya, to potential aur kinetic mein jo m ka factor aa raha hai wo khatam ho raha hai. Therefore, the heat energy required for the burning is obtained from the rocket. To hum usko calculate kar sakte hain. यहां से बी पार्ट, कॉमेट्स। अच्छा, कॉमेट्स की बात आ गई, धूमकेतु। आपने सुना भी होगा नाम हेलीज कॉमेट, 76 ईयर्स में एक बार आता है। तो कॉमेट्स उछल तारे, हिंदी में कहते हैं, मूव अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू द सन इज नॉट नॉर्मल टू द कॉमेट्स वेलोसिटी, शेप ही ऐसा उसके पाथ का, ऑर्बिट का। येट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एवरी कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट इज जीरो। व्हाई बच्चों, अगर सर्कुलर पाथ होता, देखिए बना के समझाता हूं, अगर ये है सन और कॉमेट का ऑर्बिट अगर सर्कुलर होता तो निश्चित तौर पर हम कह सकते थे कि हर पॉइंट पर फोर्स और वेलोसिटी, फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स और ये वेलोसिटी, इनके बीच 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल है तो वर्क डन जो है एफ डॉट एस से कितना हो गया, एफ डॉट एस यानी एफ एस कॉस थीटा से जीरो हो गया, क्योंकि थीटा है 90 डिग्री। पर जब ऑर्बिट इलिप्टिकल है, तो जब ऑर्बिट इलिप्टिकल है तब ऐसा तो है नहीं, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, यहाँ पर फोर्स 90 डिग्री पर नहीं है, और भी कई पोजिशन पर 90 डिग्री पर नहीं है। तो फिर कंप्लीट पाथ में वर्क डन जीरो क्यों हुआ, ये पूछा है। तो हमारे पास एक तो लॉजिक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, है ना। तो एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लॉजिक दिया उन्होंने, फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ओवर ए पाथ इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओवर ए कंप्लीट ऑर्बिट, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वापस उसी पोजिशन पर आ गया और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन की वजह से है, स्टेट की वजह से है, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो है। सो कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, तो फोर्स जीरो हो गया ऐसे देखा जाए तो, पर फोर्स तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन जीरो है क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव होता है, तो क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होता है। सो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ इज जीरो, सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, सो वर्क डन इन द केस ऑफ ए गिवन कॉमेट इज जीरो। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, सिंस द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर ए क्लोज पाथ इज जीरो, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एवरी कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ ए कॉमेट इज जीरो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो सर्कुलर है या इलिप्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, An artificial satellite orbiting the Earth in very thin atmosphere. वैसे तो क्या होता है, हमें पता है कि सैटेलाइट जो है आउटसाइड द एटमोसफियर, क्योंकि एटमोसफियर हम मानते हैं 800 up to 800 किलोमीटर, वो भी नीचे नीचे तो डेंसर है, ऊपर तो बहुत रेयर है।
इवन पोलर सैटेलाइट की भी बात करें बच्चों, तो 900 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर वो होता है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट 900 किलोमीटर के आसपास, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें बच्चों तो वो तो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होता है, तो वहाँ तो एटमोसफियर किसी भी हालत में है ही नहीं। पर जैसा क्वेश्चन में दिया है, अगर हम बात करें कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ऑर्बिटिंग द अर्थ इन वेरी थिन एटमोसफियर, लूजेज इट्स एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू डिसिपेशन अगेंस्ट एटमोस्फेरिक रेजिस्टेंस। ठीक, अगेंस्ट एटमोस्फेरिक रेजिस्टेंस इट हैज टू डू वर्क, तो अपनी एनर्जी खोएगा वो वर्क करने के लिए, हाउ एवर स्मॉल, चाहे वो थोड़ी सी भी हो। वाई देन डज इट्स स्पीड इंक्रीज प्रोग्रेसिवली एज इट कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द अर्थ? तो आपसे पूछा जा रहा है जब वो एनर्जी खो रहा है, अपनी काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो रही है, फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि उसकी स्पीड अब बढ़ रही है? वो तो कम होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लिंक कर सकते हो जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया 11th क्लास में, 12th में, फिजिक्स में फिर से पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज किया ऐसा माना जाता है, तो रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल है उसके जो ड्रॉबैक्स थे या लिमिटेशंस थी, शॉर्टकमिंग्स थी, वो क्या थी कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो घूमते हुए उसे स्पायरल पाथ पे चल के न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। उसे आप लिंक करके इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हो। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ में, इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर पार्ट सी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। कैसे बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर मैं आपको लिखकर बताऊं, जो हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां पर तो वी एक्स से दिखाया है, फंक्शन ऑफ एक्स, हम उसको कैपिटल यू से भी दिखा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, इट इज माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो आर कम हो रहा है, आर कम हो रहा है, पर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव में है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन का होता है उसकी वजह से, तो आर कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकली तो बढ़ रही है पर किधर बढ़ रही है? नेगेटिव में। यानी ध्यान से समझें इसको, तो घट रही है पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। एंड द सम डिक्रीजेस ड्यू टू डिसिपेशन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उसी के एक्सपेंस पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जो टोटल एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि कुछ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ कंजर्व नहीं है, पोटेंशियल काइनेटिक मिलाकर जो टोटल एनर्जी थी उसमें से कुछ एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में खर्च हो गई। एज सैटेलाइट कम्स क्लोजर टू द अर्थ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बट ड्यू टू द लॉस इन एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन द टोटल एनर्जी डिक्रीजेस। व्हेन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ मूव्स क्लोजर टू अर्थ इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द हाइट। सिंस द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट द रिडक्शन इन पोटेंशियल एनर्जी रिजल्ट्स। अब ये टोटल एनर्जी की जो बात कर रहे हैं बच्चों, ये मैकेनिकल नहीं है, टोटल है, टोटल। द रिडक्शन इन पोटेंशियल एनर्जी रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, हेंस द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इंक्रीजेस। हाउएवर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट डिक्रीजेस बाय ए स्मॉल अमाउंट। तो डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है, मैं दो दो तीन तीन आंसर क्यों बता रहा हूं आपको बच्चों, सबका व्यू हम देख लेते हैं, किस बच्चे को क्या स्ट्राइक होगा, कौन सी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, ये कहना मुश्किल है कि किस पॉइंट से उसको एकदम से वो चीज़ समझ में आएगी। तो दो तीन व्यू देख लेने से थोड़ा क्लैरिटी आने की संभावना बढ़ जाती है, क्लैरिटी और ज़्यादा आ जाती है, सबका मत व्यू हमें पता चलता है। ओके, लास्ट पार्ट, डी पार्ट। इन फिगर 6.13 द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग ए मास ऑफ 15 kg ऑन हिज हैंड्स। एक बार डायग्राम देख लीजिए आप, 15 किलो लेकर ही चल रहा है और दूसरा 15 किलो को ऐसे खींच रहा है। देर आर टू डिफरेंट सिचुएशंस शोन हियर।
इन फिगर 6.132 ही वॉक्स द सेम डिस्टेंस, उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, पुलिंग द रोप बिहाइंड हिम, रस्सी खींचते हुए जा रहे हैं. द रोप गोज ओवर ए पुली एंड ए मास ऑफ 15 kg हैंग्स एट इट्स अदर एंड. इन विच केस इज द वर्क डन ग्रेटर, ऐसे कि ऐसे. आप अपने आप से सॉल्व करके एक कंक्लूजन तक पहुंचो, निष्कर्ष तक पहुंचो कि हाँ ये होना चाहिए, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं. बच्चों देखिए, इसको लेकर जा रहा है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी कोई वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि 15 केजी तो नीचे लग रहा है. ऐसे जब पुल कर रहा है तो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है. अच्छा, इसकी मसल्स भी वर्क कर रही हैं, इसका खुद का, व्यक्ति का खुद का भी द्रव्यमान है, मास है, और जब ये चल रहा है तो उसको चलाने के लिए भी इसको खुद भी कुछ वर्क करना पड़ रहा है. फिर मान लो हवा भी चल रही है तो अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन भी वर्क करना पड़ रहा है. अब कौन सा वर्क हमें यहाँ पे काउंट करना है, कौन सा नेग्लेक्ट करना है, वो थोड़ा सा सोचने की बात है, वो समझ कर काम करना. तो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, एयर फ्रिक्शन को तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे. अच्छा, इसके शूज और पाथ, फ्लोर के बीच जो फ्रिक्शन है वो भी कहा अगर नहीं गया है तो हम उसकी बात भी नहीं करेंगे. तो यहाँ जो लैंग्वेज आ रही है, मैन वॉक्स 2 meters कैरिंग मास ऑफ 15 kg इन हिज हैंड्स. जैसे पुली सर पर अटैची बैगेज रखकर चलता है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है वो प्लेटफॉर्म पर, अगेंस्ट ग्रेविटी वो कोई वर्क नहीं कर रहा है. हाँ, उठाया जब वर्क किया, नीचे उतार के रखेगा जब वर्क करेगा, चलने के दौरान कांस्टेंट हाइट है, कांस्टेंट हाइट पर उसका जो फोर्स है वो अगेंस्ट ग्रेविटी है या टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ वो वेट लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट है परपेंडिकुलर, तो वर्क डन जीरो है. ये बहुत ही मतलब स्पेशल सिचुएशन, मजे की बात कि ऐसा होता है. तो यहां पूछा है किस केस में वर्क डन ज्यादा होगा, क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछा है, हम क्वांटिटेटिवली इसको सॉल्व कर सकते हैं. लेट सी द आंसर, 6.5 का डी इन द सेकेंड केस. ऐसे देखने में क्या लग रहा है हमको कि हाँ इसमें मेहनत ज्यादा लगेगी, थकेगा किसमें ज्यादा इंसान, इसमें कि इसमें? प्रैक्टिकली भी करके देखना बच्चों, प्रैक्टिकल थ्योरी से मैच हो रही है कि नहीं हो रही, किसमें ज्यादा थकेगा इंसान. तो एनसीईआरटी का आंसर हमने देखा इन सेकंड केस. दूसरा सॉल्यूशन हम देखते हैं, अगर हम W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा यूज करते हैं तो थीटा 90 होने से फर्स्ट केस में वर्क डन जीरो हो गया, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, और दूसरे केस में थीटा जीरो होने से व्हेन मास इज लिफ्टेड अपवर्ड विद सम अपवर्ड फोर्स गिवन टू द मास मेन थ्रू पुली, तो वर्क डन इज मोर इन सेकंड केस. अलग लैंग्वेज में देखते हैं, वर्क डन इन फिगर 6.131 फर्स्ट पार्ट, एम 15 kg, डिस्प्लेसमेंट 2 meters, वर्क डन W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा 90 degrees, दैट्स व्हाई वर्क डन इज जीरो. सेकंड पार्ट में वर्क डन जो है वो हो रहा है, वो 2 meters चल रहा है, तो रस्सी भी 2 meters ऊपर जा रही है बच्चों, वेट भी 2 meters ऊपर मूव कर रहा है, तो वर्क डन 294 joules कैलकुलेट कर लिया हमने, हेंस वर्क डन इज मोर इन केस 2. तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे चारों पार्ट 6.5 के. बहुत कुछ अगर हम इन डेप्थ देखें, अंतर्दृष्टि लगाएं, यानी थोड़ा सा इनसाइट के साथ हम इन एग्जांपल्स को, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, तो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है. तो बच्चों ये मैं चाह रहा हूँ वीडियो छोटा ही रहे, इंटरेस्टिंग रहे, यानी नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन में लेता हूँ 6.6, 6.7. सो इसको हम यहीं एंड करते हैं. हैप्पी लर्निंग.